हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, एज वेल एज टेक्निकल यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो सब चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखने पे फोकस करना हो, सीखने के लिए क्या करना होता है हमेशा की तरह आपको वीडियोस देखने हैं। जितना वीडियोस देखेंगे उतना फ़ायदा आपको होता हुआ नजर आएगा, आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर जो वीडियोस बनाते हैं ओके किस तरीके से स्टॉक को चूज आप कर सकते हो और वो भी आसानी से। और स्टिल 10 मिनट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती, बट बारीकियाँ सीखनी है तो हमारा एक कोर्स भी है जिसे आप 8860540501 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कौन से शेयर भागेंगे, कौन से शेयर गिरेंगे, वो सब चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, 25,000 रुपये का कोर्स है, एक बार कोर्स किया तो केवल एक साल जो मैं पढ़ाऊंगा उसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, बहुत सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कोर्स में इंक्लूडेड है। एक बार आप चाहो तो इन नंबरों पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। इन्हीं नंबरों पर कॉल करके आप अगर कोर्स नहीं करना चाहते बट आपको पैसा कमाना चाहते हो, है ना, और सच में एक अच्छे शेयर को यहाँ पर चूज कर सकते हो। और हिस्ट्री की बात करें तो आप हमारा परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, हमारे पास इतनी सारी वीडियोस है, आपने देखा भी होगा कि कैसे शेयर डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। स्टिल डबल ट्रिपल तो नहीं कहूँगा बट मैं कहूँगा कि हाँ अच्छे डिसेंट पैसे कमाने हैं तो यहाँ पर इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, बातचीत करने का कोई पैसा नहीं है, सिंपली इंक्वायरी करिए, हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो आपको सीधे समझ में आ जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड की। तो कंपनी करती क्या है, देखिए ये जो कंपनी है ना, बिल्ड वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट टू मैनेज द बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट एसएमईज एंड स्टार्टअप थ्रू ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लोज, है ना। तो ये जो कंपनी है एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी है। ठीक है, जो इस तरीके के सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है छोटी कंपनी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, जो यहाँ पर काम आती हुई दिखाई देती है इन पर्टिकुलर बड़ी बड़ी कंपनी के लिए। आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करो, विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म ये बनाते हैं, एम्प्लॉय फ्लेक्सी बेनिफिट्स ये बनाते हुए नजर आते हैं, इंसेंटिव रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन किस तरीके से, ये सब चीज़ों से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर जाइए, है ना। ये पर जैगल जो है, जैगल सेफ, जैगल प्रोपेल से रिलेटेड यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स है, जाके एक बार विजिट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि 2400 प्लस यहाँ पर कस्टमर्स हैं, 2.2 मिलियन प्लस यूजर्स है, 50 मिलियन प्रीपेड कार्ड सिंस इंसेप्शन ये कंपनी देती हुई नजर आई है, 250 प्लस एम्प्लॉयज है, 6 ऑफिसेज है, 2 नेटवर्क यहाँ पर इनके पार्टनर्स है। तो कंपनी की बात करें, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, एक बार चाहो तो एक बार विजिट करिए, देखिए कंपनी के बारे में और ज़्यादा पढ़िए तो आपको समझ में आता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं इस फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप, सबसे पहले 3,766 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है। जब भी स्मॉल कैप की बात करूँ तो सबसे पहले तो हमारा जो एक्सपर्टीज है वो इसी में ही है कि आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, मतलब छोटे छोटे शेयर से रिलेटेड ही हम बातें करते हैं। दूसरी बात, जब मैं बात करूँ स्मॉल कैप की तो याद रखिए जब शेयर भाग रहा है तो अच्छा खासा रिटर्न देगा, इसमें कोई दोराय की बात नहीं है, बट जब शेयर गिरेगा तो उसी तरीके से गिरता हुआ नजर भी आता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए पी रेशो 37 का इंडस्ट्री का, बट यहाँ पर इसे देखिए तो 116 का पी नजर आता है, तो थोड़ा सा पी क्या है, महंगा है यहाँ पर, इस चीज को आपको ध्यान देना है। इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही यहाँ पर शेयर का प्राइस चल रहा है, 392 का इसने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हाई बनाया था। ठीक है, और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ROC ROE ठीक ठाक यहाँ पर नजर आती है, बल्कि अच्छी नजर आती है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डेट भी है जो कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल डेट हम यहाँ पर कहेंगे। बात करें और चीज़ों की तो कंपनी के यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी के यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाई देती है, है ना। और यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स थी जो कि हाईएस्ट एवर है, एज वेल एज प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देता है। अभी कंपनी की बात करूँ तो ज़्यादा यहाँ पर हिस्ट्री है नहीं, क्योंकि ये जो सेप्टेम्बर 2023 में ही आता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, एक बार इसके रिजल्ट आ जाएंगे तब और ज़्यादा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि एग्जैक्टली कंपनी वैसी है जो यहाँ पर शो हो रहा है या फिर जस्ट बनावटी नंबर है ना। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा बनावटी इन द सेंस कि हाँ मैनिपुलेशन चलता रहता है, बहुत जब IPO आते हैं ना तो
उस तरीके से मैनिपुलेशन वो चलता है। ईयरली बेस पे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, कहाँ पर 68 करोड़ की सेल, कहाँ पर 500 और 600 करोड़ रुपए की सेल्स। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है, एज वेल एज कंपनी के रिजर्व्स घाटे से प्रॉफिट में है, ओके ना के बराबर बोरिंग है बल्कि घटती हुई नजर आ रही है। और 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 372 करोड़ रुपीज के आसपास के यहाँ पर कैश फ्लोज भी नजर आते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद लगभग लगभग 43.93% के शेयर है, ओके यहाँ पर हम देखें तो कंपनी के पास लगभग लगभग 44% की शेयर है एज इट इज बने हुए। FIs की बात करें, FIs की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पर लगातार कम होती नजर आ रही है जो कि चिंता का विषय है। DIs की बात करें वो भी यहाँ पर लगातार घटाते हुए नजर आ रहे हैं। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी बात नहीं होती, पर 39% में भी देखे तो 39 में आपको पता चलेगा एक रिनाउंड इन्वेस्टर आशीष कचौलिया सर वो हिस्सेदारी यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 16-18% के आसपास की हिस्सेदारी तो वैसी है, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी है नॉर्मल। और यहाँ पर आप देखोगे ट्रेड्स तो वो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, वो यहाँ पर चलता ही रहता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर चाहो तो एक बार देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। अब बात करेंगे चार्ट से, चार्ट क्या कह रहे हैं, बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चीजों को सीखने पे फोकस करें। और सीखने के लिए मैं कह चुका हूं कि वीडियो जाके देखिए, बहुत सारी हेल्प होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ आप यहां पर इन नंबरों पर नोट करके कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोर्स 25,000 रुपए का जरूर नजर आ रहा है, बट एक बार काम बात करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपकी फीस एक तरीके से जीरो ही हो जाएगी। आप एक बार बात करके देखिए, बाकी साथ में काम करना चाहते हैं तो इन्हीं नंबरों पर नोट करके साथ में काम भी कर सकते हैं। जैगल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर शेयर के चार्ट से रिलेटेड। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर इसमें ट्रेड लिया था, ठीक है ना। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में हमने यहाँ पर पैसे कमाए थे और हम निकल भी गए थे। अभी हमारे पास ये शेयर नहीं है तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात करूँ तो अभी एक 3C पैटर्न होता है। क्या होता है 3C पैटर्न, जो हमारे कोर्स में आओगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 3C पैटर्न क्या होता है, उसका क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि अगर कोई यहाँ पर एंट्री बनाना चाहता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। मैं जस्ट लेवल देता हुआ नजर आ रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस, कितना 295 रुपए का, 295 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा के ना यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 321 को क्रॉस किया तो ये दोबारा यहाँ पर 399 और 380 की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और कंपनी के क्या आने वाले, रिजल्ट आने वाले। एक बार कंपनी के रिजल्ट आ गए और अच्छे रिजल्ट आ गए तो मुझे लगता है कि ये शेयर फिर और ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। बट मेरे लिए कंसर्न की बात क्या है कि यहाँ पर ये इसका जो पी रेशो है ना बहुत महंगा है, और कंपनी के एक बार नंबर आ जाएंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर के नंबर आईटी के नंबर बहुत रेयर ही कंपनी के अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर मार लगती हुई नजर आ रही है, तो वो भी हमें देखना है। और बात करें तो जो आप नैसडेक देखोगे वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी आईटी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सब चीज़ पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, उसके हिसाब से देखना है। बट स्टिल काफ़ी चीज़ें अलग चलती हुई नजर आती है तो वो भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को फोकस करना है ना, इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखनी है। बाकी इन नंबरों को नोट करके साथ में कोर्स कर सकते हो, काम कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, और सीखने का तो एक से एक बार का वीडियो बना रखी है, जाके देखिए आपको चीज़ें समझ में आती हुई नजर आएगी। हमारा एक सेटअप है, उस सेटअप पे ही काम करते हैं और वही सेटअप हम रखते हैं। अलग अलग सेटअप पे जाओगे, ठीक है ना, तो जिंदगी में पैसे नहीं बनेंगे, बट एक सेटअप को फॉलो करते रहोगे तो हमेशा अच्छे बड़े पैसे ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ बनते हुए नजर आएंगे। यही एक रूल होता है और उसी रूल को हमेशा फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।